हाय, मैं अनिल आपको ग्रेट करियर कैंपस स्वागत करता हूँ। चलिए आज मैं आपको 10 प्रॉब्लम ऐसे बताता हूँ जो आप इन नाउन से हैं और आपने जो पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन मैं इस प्रॉब्लम के हेल्प से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉन्सेप्ट क्या चीज़ होती है और कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल मैं समझा दूँगा जो अभी तक आपने पढ़ा है। तो फर्स्ट आपके प्रॉब्लम की ओर चलते हैं सीधा। गैदर अराउंड चिल्ड्रेन, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट रिटर्न। तो इसमें चार ऑप्शन है, आप बता सकते हो कि इसमें सही आंसर क्या है। ये अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो पहले आप पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो और ख़ुद आप मन में ही बताओ कि कौन सा आंसर सही है। उसके बाद में आप मेरा सोल्यूशन तो आप देखोगे। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका है फर्स्ट नंबर, आने की स्प्रिंग्स। ठीक है, ये आने की आपका सही आंसर है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसमें क्या बताया गया है। इसके मतलब है कि हम लोग समर डे और विंटर डे का प्रयोग करते हैं, लेकिन और साथ ही साथ क्या करते हैं, समर्स डे यानी अपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग करते हैं और इसमें विंटर्स में भी अब करते हैं, लेकिन स्प्रिंग और एटम में भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, एटमन में नहीं कर सकते। और नहीं करने का वजह है कि आप इसको जब तक प्रश्निफाइड या फिर स्पेशल ना करें तब तक इसमें आप अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं कर सकते हो। लेकिन इस सेंटेंस में जो आपके प्रॉब्लम है उसमें किया गया है, उसके वजह से स्प्रिंग्स होगा। ठीक है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर स्प्रिंग में एपोस्ट्रोफी एस वाला होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका एंड डजंट केयर। अब एक चीज़ यहाँ से आप देख सकते हो, आप ऑप्शन को सीधा चार ऑप्शन में सीधा आप अलग कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि आपका लिखा हुआ एंड, तो आप सीधा समझ सकते हो कि यहाँ वाइल में कोई है ही नहीं है, तो सीधा आंसर है इन्फेंट होगा। ये से भी कर सकते हो क्योंकि बी से बेबी, टी से टीनेजर, पी से पेरेंट है, तो ये इसमें से सब कॉन्सोनेंट से चार आई इन्फेंट, एंड जो एन है इसके कौन इन्फेंट सही आंसर होगा। लेकिन मैं आपको कुछ और भी बता देता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इसके बारे में। जो इन्फेंट है, नाउन डिनोटिंग यूजुअली, अब देखिए जितने भी नाउन होते हैं सामान्यतः आपको क्या बताया जाता है, मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है। और तो न्यूटर और कॉमन तो होते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो आपके दो चीज़ बताया जाता है या तो मैस्कुलिन है या तो फेमिनिन है। तो जैसे आप जानते भी हो कि बॉय का क्या होता है, गर्ल होता है, मैन का क्या होता है, वुमेन होता है, जेंटलमैन का लेडी होता है, सन का डॉटर, हस्बैंड वाइफ अंकल, एंड बैचलर का स्पिनिस्टर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग याद नहीं रख पाते हैं। ब्राइड ग्रूम ब्राइड, विडो वर्को विडो, फादर मदर, नेफ्यू नाइस। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपके होते हैं, लेकिन कुछ आपके एक्सेप्शन केस, एक्सेप्शन क्या है, जैसे आपके बेबी, इन्फेंट, चाइल्ड, टीनेजर, पेरेंट, स्पाउस, रिलेटिव, कजन, यू ये सब हैं वो आपके इसमें से दोनों आ सकते हैं। बेबी है बच्चा तो उससे मैस्कुलिन जेंडर भी हो सकता है और फेमिनिन जेंडर भी हो सकता है। इन्फेंट है तो इन्फेंट है आपका दोनों हो सकते हैं, चाइल्ड में दोनों हो सकते हैं, टीन एजर में कोई भी हो सकते हैं, यानी कि तो आपके पास या तो ये मेल हो सकते हैं या तो फीमेल हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे है कि सम टाइटल्स आर डिफरेंट फॉर जेंडर एज, कुछ अलग अलग आपके पास या आप टाइटल का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई मेल है उसके लिए किंग का प्रयोग करते हैं ना कि क्वीन, कोई स्पेशल है जिस या फिर प्रिंस क्या कर सकते हो। इसी तरह से डक डचेज होता है, इस बात को आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या लिखा हुआ है। आई कांट सर्व यू, यू आर बोथ अंडर एज, आई कांट सर्व यू। अब देखिए इसमें से बोल रहा है बियर्स या बियर। अब दो ऑप्शन है, तो आपको बता दूं कि मैंने आपको जब पढ़ा था अब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर जितने भी लिक्विड वाले चीज़ होते हैं सब के सब अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। इसके मतलब यहाँ पे बियर तो कभी हो ही नहीं सकता, इसके मतलब बियर क्या है, सही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। इसी तरह से बहुत सारे इसके एक्सप्लेनेशन है कि नेम ऑफ द सबसम ट्रीटेड जनरली अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल होता है उसके प्लूरल कभी भी बनाया नहीं जा सकता है। जब प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है तो उसके अब उसके एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, बियर हो गया, क्लॉथ हो गया, कॉफ़ी हो गया, क्रीम हो गया, डस्ट हो गया, गिन हो गया, ग्लास हो गया, स्टोन, पेपर। अब ये सब वाइन, वुड,
जितनी भी चीज़ें आप इसे याद कर लें। अगर आपके पास नोट ना हो तो आप इसके भी हेल्प से कर सकते हो क्या, ब्रेड बियर, इसके बाद ये सब क्या है, सब के सब जितने भी हैं यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब है नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, नेक्स्ट में क्या है, यू आर दोज स्क्विडिज स्क्विड स्क्विडसेस स्क्विड्स और स्क्विड, तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका ई होगा, क्योंकि यह एक एनिमल है। एनिमल जैसे आपने पढ़ा है कि फिश का प्लूरल नहीं होता है, डियर का प्लूरल नहीं होता है, फिर कॉड का प्लूरल नहीं होता है, तो इस तरह से और भी क्या एग्जांपल हैं उनके बारे में बता देता हूँ, उनमें से एक ये भी है। जैसे आप यहाँ देखें कि सर्टेन एनिमल्स हैं, क्या हैं, सर्टेन एनिमल्स हैं, और जिसके प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं करते हैं, जैसे फिश को नहीं करते हैं, आप पिक पढ़े होंगे, कॉड, कैर्फ, सैल्मन, ट्रॉट, मैकेरल, पाइस, स्क्विड। अब देखो यहाँ पे स्क्विड जो आपने पहले भी अभी देखा था, स्क्विड इसके जस्ट पहले ये देखा था क्वेश्चन में जो आ चुका था ये वाला, ठीक है। तो अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, अब इसी में से दो रिपीट कर गया, तो ये सब जितने भी हैं यहाँ पे सब के सब आपके लिए यहाँ पे याद रखने का चीज़ है, अब याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट आपके लिए कि ये सब का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से और भी हैं जैसे डियर, सीप, ये सब के नहीं होता है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, और इसके साथ साथ कुछ गेम भी हैं होते हैं, लेकिन वो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे आपके चार ऑप्शन हैं, और इस चार ऑप्शन में से व्हाट डू यू मीन यू नेवर ब्रश और नेवर ब्रश और, अच्छा आप जब भी ब्रश करोगे एक दांत का करोगे, सभी दांत का करोगे, सभी दांत का करोगे, तो आपको पढ़े हो कि इसके जो इंटरनल वाइल होते हैं वो चेंज होते हैं, इसके मतलब टी डबल ई टी एच होगा, इसके मतलब ये टीथ सही यहाँ है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे हैं, मेन का वुमेन होते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, टूथ का टीथ होता है, मेन का वुमेन है, तो गूज का गीज होता है, वुमेन, लूज के लाइस, माउस का माइस, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन भी होते हैं। अब आपका यहाँ है नो जेपनीज वुमेन, नो जेपनीज वुमेन डोंट वियर क्या, जेपनीज वियर को मना कर रहे नहीं पाने लिए क्या, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका किमोनोज होगा, क्या होगा, किमोनोज। देखते हैं इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है, आप ये ऑलरेडी भी पढ़ रखे हो, मैं आपको बता भी दिया हूँ, आपको बताया था इफ नाउन इन इन ओ सी एच एस एच डबल एस ओ एक्स, तो ये सबसे इंड करता है, तो जनरली क्या करते हैं इंड में ईएस लगा कर प्लूरल बनाते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताया था एक्सेप्शन केस भी था, एक्सेप्शन में क्या बताया था आपको कि जैसे आपका किलो किलोज हो, किमोनोज हो, फोटो हो, अस्पेरोनो हो, अस्टूडियो हो, सोलो हो, ये सब के क्या करते हैं, सिर्फ एस लगा के करते हैं। और ये भी देखा था जितने भी अगर जो वर्ड हैं, नेक्स्ट है आपका ईट एपोस्ट्रोफी लगा ईट में, इसके मतलब इसके मीनिंग है ईट इज, अब ईट इज वांडर होगा या ए वांडर होगा, अब इसमें से जो सही आंसर है आपका ए वांडर वाला है, क्या है, ए वांडर वाला है। अब क्यों है वो अब मैं आपको बताता हूँ एक्सप्लेन करके, ठीक है। अब देख सकते हैं कि कुछ ऐसे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिनके पार्टिकुलर सेंस में क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे हेल्प, रिलीफ, नॉलेज ऑफ, डिसलाइक, ब्रेड, सो ड्रीड, हॉरर, हेटर्ड, लव ऑफ, मर्सी, सेम, ये सब हैं जितने भी आपको, वो सब कैसे सेंस में, अनकाउंटेबल में हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट आपका यूज द अपोजिट, अपोजिट प्रयोग करना है, अब क्या करोगे, इफ सी इज डचेज, अभी क्या बोल रहा है कि सी इज डचेज के मतलब वो अगर डचेज है, जैसे कि अब मैं बोलूँगा कि सी इज क्वीन, यदि वह रानी है, रानी है, तो अब उसके जो हस्बैंड होगा वो क्या होगा, राजा होगा, किंग होगा, ऑब्वियसली
इसी तरह से इसमें है कि इफ सी इज डचेज, अगर वह डचेज है तो फिर उसे को क्या होगा, ड्यूक होगा, ठीक है, ड्यूक होगा। नेक्स्ट अब देख लीजिए, वही आपका एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है कि नाउन डिनोटिंग सम यूजुअली हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैस्कुलिन और फेमिनिन। कुछ ऐसे भी होते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंसेस जो बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे बॉय का गर्ल हो गया, मैन का वुमेन हो गया, जेंटलमैन का लेडी हो गया, सन का डॉटर हो गया, इसी तरह से आपको बता दिया था। लेकिन एग्जाम्पल ये पहले भी आपको करवा दिया ये सब चीज़। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। इज ए फीमेल शिप, अब इसमें से फीमेल शिप कौन है, तीस जो सही आंसर है ये ए है, ठीक है। अगर आप नहीं दी तो आप याद कर लो कि शिप को फीमेल में क्या बोलते हैं, ई डब्ल्यू यू। और भी इसके बहुत सारे हैं, मैं आपको कुछ चीज़ बता भी देता हूँ। जैसे एक चीज़ और भी आप यहाँ से बात जान सकते हो, जितने भी मोस्टली डोमेस्टिक और एनिमल और जो आपके वाइल्ड एनिमल है दोनों में काफ़ी डिफरेंट है, जितने भी लार्ज एनिमल होते हैं उनके अलग अलग होते हैं। जैसे आप देखते हो कि डॉग डोमेस्टिक में होते हैं, उसके क्या होता है फेमिनिन बीच होता है कुतिया, लेकिन इसी का अगर मैं बोलूं तो फिर अलग होता है, अस्टेग होता है। देखो अस्टेग है, अस्टेग के मतलब शिकारी कुत्ता होता है, और ड्वाई के मतलब क्या होता है, शिकारी कुत्ती होता है। तो ऑस्ट्रेलियन के मतलब घोड़ा होता है, इसके जो जंगल में होता है उसके, ठीक है। अब हो गया नेक्स्ट, अब देखते हैं इसमें से सही क्या है। द कस्टम्स वर मेड आउट ऑफ कॉलर्ड पेपर या पेपर्स, तो इसे सही आंसर होगा पेपर। पेपर क्यों होगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका प्लूरल कभी भी बनाया नहीं जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से मैं आपको छोटे छोटे और भी, ये तो नाउन का मेरा पार्ट वन है, क्या है, पार्ट वन है। इस तरह से मैं बहुत सारे आपको लेकर का हूँ, जिस देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ भी है कि ये मेरा पार्ट वन है। इस तरह से मेरे पास बहुत सारे हैं अच्छे क्वेश्चन हैं, जो आपके रूल और जो आपके नॉलेज है वो धीरे 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 वो ग्रोथ करेगा। आप मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।